वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट टीजीटी मैथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन शॉर्ट टेक्स है। तो पहले ये फॉर्मूला आता है, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स होता है, एक्स क्यूआर एन इजिकल टू एन एक्स माइनस एन माइनस वन, और ये इंटीग्रेशन होता है इस तरह साइन होता है एक्स क्यूआर एन डी एक्स एक्स क्यूआर एन प्लस वन एन प्लस वन अवकलन एंड समाकलन। देखिए फॉर्मूले पे आते हैं, ये डी एक्स इजिकल टू एन एक्स माइनस वन, ई डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर है लॉग एक्स का वन अपॉन एस, ई की पावर एक्स का ई की पावर है लॉग एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स एक्स स्क्वायर है कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉस सेक इनवर्स माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉन्स्टेंट का हो तो जीरो होगा। इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन एन पावर एन प्लस वन ई की पावर का ई पावर से वन अपॉन एक्स इसमें उल्टा हो जाता है, लॉग एक्स ई की पावर से अपॉन लॉग ए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स एंड कोसेक एक्स लॉग टेन एक्स अपॉन टू, ये ध्यान रखें, टेन एक्स लॉग सेक एक्स कॉट एक्स लॉग साइन एक्स एक्स स्क्वायर टेन एक्स कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स वन अपॉन अंडर रूट माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स पोने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स पोने एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन सेक इनवर्स एक्स पोने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू ए लॉग एक्स एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यानी अपॉन में नहीं है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का लॉग एफ डैश अपॉन एक्स डी एक्स एफ एक्स हो तो लॉग एफ एक्स आ जाता है सीधा आंसर, इसमें एफ एक्स को टी मान लेते हैं उससे ऊपर निकलता है कोसेक एक्स डी एक्स लॉग टेन एक्स पर टू सेक एक्स लॉग सेक एक्स का टेक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। शॉर्ट ट्रिक आती है भाई, एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स होता है, पहले तो इसमें वो मान लेते हैं हम सीधा कि इसे वाई मान लेते हैं लॉग लगाते हैं, लेकिन डी वाई होती है वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई लॉग एक्स इनरूट ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स हो तो ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, फिर वाई इजिकल टू ई की पावर एफ एक्स प्लस ई की पावर एफ एक्स प्लस प्लस लगा हो इस तरह तो डीवाई बाई अपॉन वन माइनस वाई एफ डैश एक्स इफ ए स्क्वायर प्लस बी आर टू एफ वाई इस तरह इक्वेशन दे रखी हो डीवाई डी एक्स करना हो डीवाई डी एक्स निकाला तो ऊपर डी अपॉन डी एक्स पहले एफ एफ वाई को कॉन्स्टेंट मान के एक्स का करें फिर डिफरेंशिएशन करें वाई का एक्स को कॉन्स्टेंट मान के ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश है तो ये निकले तो ई की पावर एक्स एफ एक्स ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के ए इनवर्स साइन हाइपरबोलिक्स कॉस हाइपरबोलिक्स डी अपॉन कॉस हाइपरबोलिक्स साइन हाइपरबोलिक्स टेन हाइपरबोलिक्स सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक्स कॉट एक्स स्क्वायर का माइनस कोसेक हाइपरबोलिक्स सेक एक्स माइनस सेक हाइपरबोलिक्स माइनस टेन एक्स टेन हाइपरबोलिक्स कोसेक हाइपरबोलिक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक्स कॉट हाइपरबोलिक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स वन अंडर रूट वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हाइपरबोलिक के हैं कॉस इन हाइपरबोलिक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन टेन हाइपरबोलिक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स हाइपरबोलिक वन अपॉन मोर एब्सोल्यूटली एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन कुछ सम प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट है सी एफ एक्स होता है सी को अलग करके एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स प्लस माइनस जी तो एफ एक्स और जी एक्स का अलग एफ एक्स का एफ एर है जी एक्स का फिर एफ एक्स का अपॉन में होता है ऐसे डिवाइड में इस तरह से करते हैं जी एक्स कॉन्स्टेंट होता है ई की बार आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है कभी ऐसे डी अपॉन डी एफ ओ जी एक्स है तो क्या करेंगे डी अपॉन डी जी एक्स नीचे एफ ओ जी एक्स डी अपॉन डी डॉट जी एक्स कभी जी वाई एफ वाई जी वाई जी एक्स डी जी अपॉन डी एक्स करना हो डी अपॉन डी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी डी अपॉन डी वाई साइड ये द्वितीय ये प्रथम घात में होता है ये ऑर्डर इसका दो है इसका ऑर्डर भी टू है इसका ऑर्डर थ्री है लेकिन इस पर जब पावर आती है तो ऑर्डर टू हो जाता है वन हो जाता है इस तरीके से कोसेक एक्स का इनवर्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या लॉग टेन एक्स अपॉन टू होता है